नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का 21वां भाग। सीढ़ी के पास से सहसा लड़कियों की ऊंची हंसी के साथ पैरों की तेज चाप सुनाई दी। वरदा सुंदरी तथा लड़कियों को लेकर परेश बाबू लौट आए थे। सुधीर सीढ़ियां चढ़ते समय कुछ दंगा कर रहा था, यही उस हंसी का कारण था। लावण्य, ललिता और सतीश कमरे में आते ही गोरा को देखकर संभल कर खड़े हो गए। लावण्य कमरे के बाहर चली गई। सतीश विनय की कुर्सी के पास खड़े होकर उसके कान में कुछ कहने लगा। ललिता एक कुर्सी सुचरिता के पीछे खींचकर उसकी ओट में अदृश्य सी बैठ गई। परेश बाबू ने आकर कहा, मुझे लौटने में बड़ी देर हो गई, जान पड़ता है पान बाबू चले गए। सुचरिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। विनय ने कहा, हाँ वह और नहीं रुक सके। उठकर गोरा ने कहा, अब हम लोग भी चलते हैं। कहकर उन्होंने झुककर परेश बाबू को नमस्कार किया। परेश बाबू ने कहा, आज तुम लोगों से बातचीत का मौका ही नहीं मिला, बाबा जब भी फुर्सत मिले आते रहना। गोरा और विनय कमरे से निकल ही रहे थे कि वरदा सुंदरी आ गई। दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। फिर उन्होंने कहा, आप लोग अब जा रहे हैं क्या? गोरा ने कहा, हाँ। विनय से वरदा सुंदरी ने कहा, लेकिन विनय बाबू अभी आप नहीं जा सकते, आपको भोजन करके ही जाना होगा, आज कुछ काम की बात करनी है। सतीश ने उछलकर विनय का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ माँ, विनय बाबू को जाने मत देना, आज वह मेरे पास रहेंगे। विनय कुछ सकुचा रहा है और कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, यह देखकर वरदा सुंदरी ने गोरा से कहा, विनय बाबू को क्या आप साथ ही ले जाना चाहते हैं, उनकी क्या अभी जरूरत है? गोरा ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, विनय तुम रह जाओ ना, मैं जाता हूं, कहता हुआ गोरा जल्दी से उतर गया। जैसे ही विनय के रुक जाने के बारे में वरदा सुंदरी ने गोरा से अनुमति मांगी, वैसे ही ललिता की ओर देखे बिना विनय रह न सका। ललिता ने दबे होठों से मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। ललिता के इस छोटे से विहंसते व्यंग के साथ विनय झगड़ा नहीं कर सकता, पर उसे यह कांटे सा चुभता है। कमरे में आकर विनय के बैठते ही ललिता ने कहा, विनय बाबू आज तो आपका भाग जाना ही ठीक रहता। विनय ने कहा, क्यों? माँ ने आपको मुश्किल में डालने की सोची है, मजिस्ट्रेट के मेले में जो अभियान होगा उसके लिए एक आदमी कम पड़ रहा है, माँ ने आप ही का चुनाव किया है। घबराकर विनय ने कहा, मारे गए, मुझसे तो यह काम नहीं होगा। हंसकर ललिता ने कहा, यह तो मैंने पहले ही माँ से कह दिया है, वैसे भी इस अभिनय में आपके दोस्त कभी आपको भाग लेने नहीं देंगे। चोट खाकर विनय ने कहा, दोस्त की बात छोड़िए, मैंने सात जन्म में कभी अभिनय नहीं किया है, मुझे क्यों चुना? ललिता ने कहा, और हम लोग तो मानो जन जन्मांतर से अभिनय करती आ रही है ना। इसी समय कमरे में वरदा सुंदरी बैठ गई। ललिता ने कहा, माँ अभिनय के लिए तुम विनय बाबू से यूं ही कह रही हो, पहले उनके दोस्त को राजी कर सको तो। कातर होकर विनय ने कहा, दोस्त के राजी होने की कुछ बात नहीं है, अभिनय यूं ही नहीं हो जाता, मुझे तो आता ही नहीं। वरदा सुंदरी ने कहा, उसकी चिंता न करें, हम आपको सिखा पढ़ा कर तैयार करेंगी, छोटी छोटी लड़कियां कर सकेंगी तो आप क्यों नहीं कर सकेंगे। विनय के बचाव का कोई रास्ता नहीं रहा। अपनी स्वाभाविक तेज चाल छोड़कर गोरा अन्यमनस्क सा धीरे धीरे घर की ओर जा रहा था। घर का सीधा रास्ता छोड़ उसने बहुत घूमकर गंगा के किनारे का रास्ता पकड़ा। उस समय कलकत्ता की गंगा और उसका किनारा वणिक सभ्यता की लाभ लोलुप कुरूपता से जल थल पर आक्रांत नहीं हुआ था। किनारे पर रेल की पटरी और पानी पर पुल की बेड़ियां नहीं पड़ी थी। उन दिनों जारों की संध्या में शहर के निश्वासों की कालिख आकाश में इतनी सघन नहीं छाती थी। सुदूर हिमालय की निर्जन चोटियों से नदी जब कलकत्ता की धूल लिपटी व्यस्तता के बीच शांति की वार्ता लिए हुए ही उतरती थी। गोरा के मन को आकृष्ट करने का प्रकृति को कभी अवसर नहीं मिला था। उसके अपने काम काज के वेग से ही उसका मन बराबर तरंगित रहता था।
जो जल थल आकाश मुक्त रूप से उसके काम काज का क्षेत्र बने हुए थे, उन्हें जैसे उसने कभी लक्ष्य ही नहीं किया था। किंतु आज नदी के ऊपर का वही आकाश नक्षत्रों से खचित अपने अंधकार के द्वारा बार बार गोरा के हृदय को मौन भाव से छूने लगा। नदी शांत थी, कलकत्ता के घाटों पर कुछ नौकाओं में रोशनी हो रही थी और कुछ प्रकाशहीन सन्नाटा था। दूसरी तरफ के पैरों के झुरमटों पर घनी कालिमा छाई थी। उसके ऊपर अंधकार के अंतर्यामी सा बृहस्पति अपनी तिमिर भेदी अपलक दृष्टि से चमक रहा था। आज इस विशाल निस्तब्ध प्रकृति ने जैसे गोरा के तन मन को पुलकित कर दिया। आकाश का विराट अंधकार गोरा के हृदय की गति पर मानो ताल देने लगा। इतने दिनों से प्रकृति धीरज धर स्थिर बैठी थी, आज गोरा के अंतस का कोई द्वार खुला पाकर उसने इस असावधानी में क्षण भर में दुर्ग पर विजित कर लिया। अब तक अपनी विद्या बुद्धि चिंता और कर्म के बीच गोरा बिल्कुल स्वतंत्र था। आज सहसा क्या हुआ, न जाने कहां उसने प्रकृति को स्वीकार किया और उसके स्वीकार करते ही इस गहरे काले जल, निविर काले तट, इस उदार काले आकाश ने उसे वरण कर लिया। आज न जाने कैसे गोरा प्रकृति की पकड़ाई में आ गया। रास्ते के किनारे पर व्यापारिक दफ्तर के बगीचे की किसी विलायती लता से किसी अनजाने फूल की मोहक कोमल गंध गोरा के व्याकुल हृदय को सहलाने लगी। नदी ने उसे भीड़ भरे कर्म क्षेत्र से किसी निर्दिष्ट सुदूर की ओर इंगित कर दिया, जहां निर्जन जल के किनारे पेड़ों की गुम्फित डालों में न जाने कौन से फूल खिलते हैं, कौन सी छायाएं में फैलती हैं। वहां निर्मल नील व्योम के नीचे दिन मानो किसी की आंखों की उन्मिलित चमक है और रातें मानो किसी की झुकी पलकों की लज्जा जरित छाया। चारों तरफ से माधुरी की लहरें आकर गोरा को जिस एक अतल अनादि शक्ति के आकर्षण में समेट लिया, उसका कोई ज्ञान गोरा को इससे पहले नहीं था। वह एक साथ ही वेदना और आनंद से उसके समूचे मन को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने लगी। आज इस हेमंती रात में नदी के किनारे नगर के कोलाहल से दूर और नक्षत्रों के अस्फुट प्रकाश में गोरा अपनी विश्वव्यापिनी अवगुंडित मायाविनी के सम्मुख आत्मविस्मित सा खड़ा हुआ था। इतने दिन इस महारात्रि को उसने सिर झुकाकर नहीं किया, लेकिन आज अचानक उसके शासन के जादू ने गोरा को अपनी सहवर्ण डोर से जल थल आकाश के साथ चारों ओर से बांध दिया। अपने ऊपर गोरा स्वयं हैरान होता हुआ नदी के सूने घाट की एक सीढ़ी पर बैठ गया। बार बार वह अपने आप से पूछने लगा कि उसके जीवन में यह किस नई चीज का आविर्भाव हो रहा है और इसका प्रयोजन क्या है। जिस प्रण के द्वारा उसने अपने जीवन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्यवस्थित कर रखा था, इसके बीच इसका स्थान कहाँ है? यह क्या उसके विरुद्ध है? इसे क्या संघर्ष करके परास्त करना होगा? यह सोचकर जैसे ही गोरा ने मुठ्ठियां कसकर बांधी, वैसे ही बुद्धि से उज्ज्वल, नम्रता से कोमल को स्निग्ध आंखों की जिज्ञासु दृष्टि उसके मन के सम्मुख आ गई। किसी अनिंद सुंदर हाथ की उंगलियों ने स्पर्श सौभाग्य का अनचखा अमृत उसके ध्यान के सामने ला रखा। गोरा के सारे शरीर में पुलक सी पिछली सी कौंद गई। अंधकार के सूनेपन में एक सरस अभूति उसके सभी संदेहों को, उसकी दुविधा को बिल्कुल निरस्त कर गई। अपने पूरे तन मन से वह इस नई अनुभूति का उपभोग करने लगा। इसे छोड़कर उठ जाने की उसकी इच्छा ही नहीं हुई। जब बहुत रात गए वह घर लौटा, तब आनंदमयी ने पूछा, इतनी रात कर दी बेटा, खाना तो ठंडा हो गया है। गोरा ने कहा, क्या जाने माँ, आज क्या सूझा कि बहुत देर गंगा के घाट पर बैठा रहा। आनंदमयी ने पूछा, क्या विनय साथ था? गोरा ने कहा, नहीं, मैं अकेला ही था। मन ही मन आनंदमयी को कुछ अचरज हुआ। बिना प्रयोजन गोरा इतनी रात तक गंगा के किनारे बैठकर सोचे, ऐसी घटना पहले तो कभी नहीं हुई।
चुपचाप बैठे रहना तो गोरा का स्वभाव ही नहीं है। जब अनमना सा गोरा खाना खा रहा था, तब आनंदमयी ने लक्ष्य किया कि उसके चेहरे पर एक नए ढंग की उलझन बिखरी हुई है। आनंदमयी ने थोड़ी देर के बाद धीरे से पूछा, शायद आज विनय के घर गए थे? गोरा ने कहा, नहीं, हम दोनों ही आज परेश बाबू के यहाँ गए थे। आनंदमयी यह सुनकर थोड़ी देर चुप बैठी सोचती रही। फिर उन्होंने पूछा, उन सबके साथ तुम्हारा परिचय हो गया है? गोरा ने कहा, हाँ हो गया। आनंदमयी, उनकी लड़कियां सामने आती हैं? हाँ, उन्हें कोई झिझक नहीं है। और किसी समय गोरा के ऐसे उत्तर के साथ थोड़ी उत्तेजना भी प्रकट होती, किंतु आज उसके कोई लक्षण न देखकर आनंदमयी फिर चुपचाप सोचने लगी। अगले दिन गोरा सवेरे उठकर अन्य दिनों की भांति फौरन मुंह हाथ धोकर दैनिक कामों के लिए तैयार होने नहीं गया। अनमय सा सोने के कमरे के पूरब की ओर का दरवाजा खोलकर कुछ देर खड़ा रहा। पूरब की ओर उसके घर की गली एक बड़ी सड़क से जा मिलती है। उस सड़क के पूरब की ओर एक स्कूल है। उस स्कूल से लगे मैदान में एक पुराने जामुन के पेड़ के ऊपर हल्का कुहासा तैर रहा था और उसकी आड़ में सूर्योदय की अरुण रेखा धुंधली सी दिख रही थी। बहुत देर तक गोरा के चुपचाप उधर देखते देखते वह हल्का कुहासा लुप्त हो गया और खिली धूप पेड़ों की डालों के भीतर से अनगिनत चमचमाती संगीनों की तरफ पार हो गई और देखते देखते कलकत्ता के सर के लोगों से और कोलाहल से भर उठी। इसी समय गली के मोड़ पर अविनाश के साथ कुछ और विद्यार्थियों को अपने घर की ओर आते देखकर गोरा ने अपने इस स्वप्न के जाल को जोर से झटक कर तोड़ दिया। अपने मन को स्थिर कर उसने कहा, नहीं, यह सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कहते हुए वह शीघ्रता से सोने के कमरे से निकल गया। गोरा के गुट के लोग उसके घर आए और उसके आने से पहले गोरा तैयार हो गया हो, ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं घटी। इस जरा सी भूल ने ही गोरा को बहुत गहरे धिक्कारा। मन ही मन उसने निर्णय किया कि फिर वह परेश बाबू के घर नहीं जाएगा और ऐसी कोशिश करेगा कि विनय से भी कुछ दिन ना मिलना हो और इन बातों की चर्चा बंद रहे। उस दिन नीचे जाकर सलाह करके सबकी सम्मति से यही तय हुआ कि गुट के दो तीन आदमियों को साथ लेकर गोरा पैदल ग्रैंड टंक रोड की यात्रा करने निकलेगा। साथ में रुपया पैसा कुछ नहीं लेगा। रास्ते में गृहस्थों का आतिथ्य स्वीकार कर लिया जाएगा। इस अद्भुत संकल्प को साध कर गोरा कुछ अतिरिक्त ही उत्साहित हो उठा। इस तरह खुली सड़क पर सारे बंधन काट कर चल निकलने का एक अनोखा आनंद उस पर छा गया। उसे लगा कि उसका हृदय भीतर ही भीतर जिस जाल में फंस रहा था उससे छुटकारे की इस कल्पना से ही वह टूट गया है। यह सब भावावेश सिर्फ माया है और कर्म ही सत्य है। यह बात बड़े जोर से अपने मन में दोहरा कर और प्रतिध्वनित करके यात्रा की तैयारी करने के लिए गोरा घर की निचली मंजिल के बैठक वाले कमरे से यूं लगभग दौड़ता हुआ बाहर निकला जैसे लड़के स्कूल की छुट्टी होने पर निकलते हैं। उस समय कृष्ण दयाल गंगा स्नान करके लोटे में गंगा जल लिए नामावली ओढ़े मन ही मन मंत्र जाप करते घर लौट रहे थे। एकाएक गोरा उनसे टकरा गया। लज्जित होकर जल्दी से उसने उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया। वह रहने दो कहकर सकपकाए हुए से अंदर चले गए। पूजा पर बैठने से पहले गोरा का सर स्पर्श हो जाने से उनके गंगा स्नान का फल तो नष्ट हो गया। कृष्णदयाल गोरा के संस्पर्श से विशेषता बचने की कोशिश करते हैं, यह गोरा ठीक ठीक नहीं समझता था। वह यही समझता था कि छुआछूत मानने के कारण सभी के एक तरह के संसर्ग से बचने के लिए ही वह इतने सतर्क रहते हैं। आनंदमयी को तो मलेच्छ कहकर वह दूरी रखते थे। महिम कामकाजी आदमी था, सो उसे तो भेंट होने का मौका नहीं आता था। सारे परिवार में मात्र महिम की लड़की शशिमुखी को अपनाकर उसे वह संस्कृत के स्रोत रटाते थे और पूजा अर्चना की विधि सिखलाते थे। गोरा द्वारा पांच हुए जाने से कृष्ण दयाल के व्यस्त होकर जल्दी से हट जाने पर
गोरा का ध्यान उनके संकोच के कारण की ओर गया और वो मन ही मन हंसा। इसी तरह पिता के साथ गोरा का संबंध धीरे धीरे प्रायः खत्म सा हो गया था और माँ के अनाचार की वह चाहे जितनी बुराई करे, इसी आचार द्रोहिणी माँ की ही वह अपने मन की सारी श्रद्धा के साथ पूजा करता था। भोजन के बाद कुछ कपड़े की पोटली बांधकर और उसे विदेशी पर्यटकों की तरह कंधे पर डालकर वह माँ के निकट जा उपस्थित हुआ। बोला, माँ कुछ दिन के लिए मैं बाहर जाऊंगा। आनंदमयी ने पूछा, कहाँ जाओगे बेटा? गोरा ने कहा, यह तो मैं ठीक नहीं बता सकता। आनंदमयी ने पूछा, कोई काम है? गोरा ने कहा, जिसे काम कहा जाता है वैसा तो कुछ नहीं, बस बाहर जाना ही काम है। गोरा ने आनंदमयी को चुप होते देखकर कहा, माँ मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मना मत करना। तुम तो मुझे जानती हो, मुझे सन्यासी हो जाने का तो कोई भय है ही नहीं। फिर सोचो, तुम्हें छोड़कर अधिक दिन क्या मैं कहीं रह सकता हूँ? माँ के प्रति अपने प्यार की बात कभी गोरा ने अपने मुख से इस तरह नहीं कही थी, इसीलिए यह बात कहकर वह लज्जित हो गया। आनंदमयी ने पुलकित होकर जल्दी से उसकी लज्जा को ओट देते हुए कहा, तो विनय भी साथ जाएगा? हड़बड़ाकर गोरा ने कहा, नहीं माँ, विनय नहीं जाएगा। यह लो, अब माँ ने यह सोचना शुरू कर दिया कि विनय ना गया तो सफर में उसके गोरा की देखभाल कौन करेगा? विनय को मेरा रखवाला समझती हो या तुम्हारी बुरी आदत है माँ? इस बार मेरे भले चंगे लौट आने से ही अब तुम्हारा भ्रम दूर होगा। आनंदमयी ने पूछा, बीच बीच में खबर तो मिलती रहेगी ना? गोरा ने कहा, तुम यही समझ लो कि खबर नहीं मिलेगी, फिर भी अगर मिल जाए तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे गोरा को कोई नहीं ले जाएगा। जितना तुम मुझे मूल्यवान समझती हो माँ, उतना और कोई नहीं समझता ना। या इस गठरी पर ही किसी को लोभ हो तो उसे दान देकर चला जाऊंगा, इसको बचाने के लिए जान नहीं गंवाऊंगा, या तो निश्चय कर लो। आनंदमयी के चरण धूल लेकर गोरा ने प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरकर हाथ चूम लिया, किसी तरह का निषेध नहीं किया। अपने कष्ट या किसी अनिष्ट की आशंका की बात कहकर आनंदमयी कभी किसी को नहीं रोकती थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाएं और विपत्तियां सही थी, बाहर की दुनिया उनके लिए अनजानी न थी। भय का उनके मन में लेश भी नहीं था, यह शंका उन्हें नहीं हुई कि गोरा पर कोई मुसीबत आ सकती है। किंतु पिछले दिन यही सोचकर वह चिंतित थी कि न जाने गोरा के मन में क्या उथल पुथल हो रही है। सहसा आज यह सुनकर कि गोरा अकारण ही भ्रमण करने जा रहा है, उनकी चिंता और भी गहरी हो गई। धन्यवाद।